हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता इज हियर। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑनलाइन एसे कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मोनो मौसमी इज प्रेजेंटिंग अ न्यू ऑनलाइन इंटरनेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2021 विद सुपर्ब प्राइजेस इन विच यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली, नो एंट्री फी नीडेड। हर पॉइंट के रिगार्डिंग यहां पर ब्रीफली डिस्कशन होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। द एसेज विल बी ग्रुप्ड एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिटर्स चॉइस एसे आउटस्टैंडिंग प्रेज वर्थी एंड नॉट वर्थ मैंशनिंग अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन बाय द जजेस टू ईच ऑफ द एसेज। ओनली सेलेक्टेड एसेज अमंग दीज विल बी पब्लिश इन द वेबसाइट एंड रिस्पेक्टिव लिंक्स विल बी कन्वेड टू द पार्टिसिपेंट्स थ्रू मेल। देयर आर ओनली थ्री फिजिकल प्राइजेज, सिर्फ थ्री फिजिकल प्राइजेज हैं, ट्रॉफीज, इटैली ट्रेवल बॉक्स एंड बुक। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा और उनको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई पब्लिश्ड बुक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई कस्टमाइज्ड पेन खरीदना चाहते हैं। आप इस सर्टिफिकेट को यूज भी कर सकते हैं एज एन एक्यूलेड अंडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब जानते हैं अदर रिवॉर्ड्स के बारे में। अ फ्यू सेलेक्टेड आर्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड इन द डिजिटल मैगजीन बीबर्स एंड अपकमिंग बुक्स। बाकी सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। अब मेन चीजों की भी बात कर लेते हैं। दोज पार्टिसिपेंट्स हूज आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन दिस वेबसाइट विल हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू विन फिजिकल प्राइजेज लाइक कैश ऑब्लिक पर्सनलाइज्ड पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ETC। अब जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में ओपनली। कैश प्राइज 1,000 रुपीज इफ द एक्चुअल यूनिक विजिट्स आर अबव 10,000 विजिट्स। कैश प्राइज 500 रुपीज इफ द एक्चुअल विजिट्स आर बिटवीन 5,000 to 10,000। पर्सनलाइज्ड पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ऑब्लिक नॉवल कॉस्टिंग अबाउट 300 to 400 रुपीज। एनी ऑफ दीज प्राइज एज पर द विनर्स चॉइस हुज आर्टिकल हैज विजिट्स बिटवीन 2,000 to 5,000। द रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस ऑफ द पेन बुक ऑब्लिक नॉवल आर शोन इन दिस लिंक। देयर विल नॉट बी एनी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेपरेटली। कोई भी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेपरेटली नहीं होगा। द पार्टिसिपेंट्स कैन मेल डेट दे हैव रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिव्यू फ्रॉम द रीडर्स ऑब्लिक व्यूअर्स आफ्टर 3 months ऑफ पब्लिशिंग द एसे। After examining from other side, the eligible participants will be rewarded above mentioned prizes. Participants can narrate their essay narration and send video/audio/ presentation and they can win the Star Presenter Award. Please check the link. अब जानते हैं कि आप किस किस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा फॉर्मेट अलाउड नहीं है। PDF is not allowed. PDF allowed नहीं है। MS Word, Notepad, .txt, yes allowed. ये तीनों allowed हैं। Sharing through drive not allowed. Drive के through sharing allowed नहीं है। Copy and paste in the mail body, yes allowed. आप कॉपी एंड पेस्ट मेल बॉडी में कर सकते हैं। हैंड रिटन अलाउड इन PDF फॉर्म, हैंड रिटन अलाउड है लेकिन PDF फॉर्म में सिर्फ। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। लास्ट डेट 25 फरवरी। आप 25 फरवरी तक अपना सबमिशन कर सकते हैं। रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मार्च के फर्स्ट वीक में परिणाम की घोषणा होगी। परिणाम की घोषणा इसी लिंक पर होगी।
सर्टिफिकेट्स 25 मार्च से पहले इशू कर दिए जाएंगे। नाउ टॉपिक अकॉर्डिंगली एज कैटेगरीज। वैसे तो इस कंपटीशन में नो एज लिमिट है, लेकिन ये फिर भी टू एज ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जूनियर कैटेगरी अप टू 14 ईयर्स, जिसका टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन योर कंट्री। दूसरा एज ग्रुप है सीनियर एज कैटेगरी, दैट इज अबव 14 ईयर्स। टॉपिक इज एनी वन टॉपिक फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट, ईमेल एड्रेस फॉर सबमिशन ऑफ एसे हैज बीन चेंज्ड टू दिस ओनली फॉर दिस कॉन्टेस्ट। इस डिटेल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। सेंड योर एसे थ्रू ईमेल एट दिस ईमेल आईडी। आपको अपना एसे ईमेल के थ्रू इस मेल आईडी पर सेंड करना है। नो पीडीएफ ऑब्लिक नो गूगल ड्राइव शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। ओनली एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज एलिजिबल फॉर रिव्यू। अगर आपका डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का है तभी वो रिव्यू किया जाएगा। द फाइल नेम ऑफ एमएस वर्ड शुड बी केप्ट एज, तो आप देख सकते हैं प्लेजरिज्म रिपोर्ट सबमिशन इज इनकरेज्ड। दोज एसेज विल बी डिस्क्वालिफाइड विच डोंट फॉलो द गाइडलाइंस एंड देयर विल बी नो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स फॉर देम। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ये जजमेंट क्राइटेरिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज रीड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आंसर्स ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। गाइडलाइंस, लैंग्वेज एक्सेप्टेड कि किस लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक बंगाली। नेशनैलिटी एनी कैटेगरीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये बाकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। इम्पॉर्टेंट रूल्स, द एसे शुड बी मिनिमम 750 वर्ड्स। आपका एसे न्यूनतम 750 शब्द का होना ही चाहिए, और कोई भी मैक्सिमम वर्ड काउंट नहीं है। बाकी ये रूल्स भी काफी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और रूल बता देते हैं, यू शुड राइट योर नेम एज सिटी फोन नंबर ईमेल फोटो इज ऑप्शनल इन योर एंट्री इन द वेरी बिगिनिंग बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एसे। आप अपनी एंट्री में जब आप ऐसे लिखेंगे तो उससे पहले आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। ये मैंडेटरी है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपकी एंट्री रिजेक्ट भी हो सकती है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट वन, आई वुड लाइक टू से दैट कि ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है और ऐसे रेयर कॉम्पिटिशंस बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। टिल देन, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।